नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ते हालात के बीच भारत ने भी वहां फंसे देश के लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया है। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान मंगलवार सुबह काबुल एयरपोर्ट से उड़ा और गुजरात के जामनगर पहुंच गया है। भारत ने काबुल के अपने दूतावास को खाली कर दिया है। इस विमान में दूतावास में काम करने वाले लोग भी भारत आए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर कहा है कि अफगानिस्तान में बने हालात को देखते हुए काबुल से अपने राजदूत और भारतीय स्टाफ को तुरंत वापस लाने का फैसला किया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में फंसे लोगों को भारत लाने के लिए वीजा प्रावधानों में बदलाव किया है, जिसके तहत वीजा देने में जल्दी की जा सकेगी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है कि भारत आने वालों को तुरंत वीजा मिल सके, इसके लिए ई इमरजेंसी एक्स वीजा की एक अलग कैटेगरी बनाई गई है। एक बड़े और अहम घटनाक्रम में तालिबान ने अफगानिस्तान में आम माफीनामा जारी किया है। तालिबान ने एक बयान जारी कर सभी सरकारी कर्मचारियों से कहा है कि वे अपना कामकाज पहले की तरह शुरू कर दें। बयान में कहा गया है कि सभी लोगों के लिए आम माफीनामा जारी किया जा रहा है। आपको अपने रोजमर्रा का कामकाज पूरे आत्मविश्वास के साथ शुरू कर देना चाहिए। ये माफीनामा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के नियंत्रण के 2 दिन बाद जारी किया गया है। ये घोषणा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे सरकारी कर्मचारी और दूसरे लोग आश्वस्त हो सकेंगे कि उनकी नौकरी बची हुई है, उन पर हमला नहीं किया जाएगा या किसी तरह के बदले की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद उठ रहे सवालों का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुलकर जवाब दिया है। बाइडेन ने सोमवार रात को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह इस मुल्क से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के फैसले के साथ खड़े हैं। बाइडेन ने कहा कि वे आलोचना को अपने सिर पर ले लेंगे, बजाय इसके कि वे उस मुद्दे को अगले अमेरिकी राष्ट्रपति को ट्रांसफर करें। उन्होंने कहा कि अमेरिका के द्वारा लड़ी गई इस लंबी लड़ाई को खत्म करने का यही वक्त है और अमेरिका के लिए भी ये फैसला सही है। जो बाइडेन ने कहा कि जब अफगान सैनिक ही अपने लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं थे तो अमेरिकी सैनिकों को युद्ध में मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता था। उन्होंने सवाल पूछा कि अमेरिका के बेटों और बेटियों की कितनी और पीढ़ियों को इस युद्ध में अपनी जान गंवाने दिया जाता। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने वहां खरबों डॉलर खर्च किए, हमने अफगान लोगों को पूरा मौका दिया, लेकिन हम उनके अंदर अपने भविष्य के लिए लड़ने की इच्छा शक्ति पैदा नहीं कर सके। तालिबान के अफगानिस्तान पर जल्दी कब्जा कर लेने के सवाल पर बाइडेन ने कहा कि वहां के राजनेताओं ने हथियार डाल दिए और मुल्क छोड़कर भाग गए। कुछ इलाकों में सेना लड़े बिना ही हार गई। जितनी तेजी से तालिबान आगे बढ़ा उस पर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। पिछले एक साल में पीएम मोदी की लोकप्रियता में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अगले पीएम की पसंद को लेकर इंडिया टुडे द्वारा कराए गए सर्वे में पाया गया है कि पीएम मोदी को 24% लोग पहली पसंद मानते हैं, जबकि पिछले साल अगस्त में यह आंकड़ा 66% था और इस साल जनवरी में यह आंकड़ा 38% था। हालांकि अब गिरकर 24% रह गया है। पीएम पद के लिए पहली पसंद में मोदी के बाद दूसरे स्थान पर योगी आदित्यनाथ का नंबर है, जिनको 11% लोग पीएम की पहली पसंद मानते हैं और राहुल गांधी 10% के साथ तीसरे स्थान पर बताए गए हैं। राहुल और योगी की लोकप्रियता में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अमित शाह को 7% लोग ही अपनी पहली पसंद मानते हैं, यानी अमित शाह से अधिक लोग योगी को पसंद कर रहे हैं। इंडिया टुडे के सर्वे के अनुसार केवल 28% लोग ही ये कहते हैं कि पीएम मोदी के आने के बाद आर्थिक स्थिति भारत की बेहतर हुई है, तो वहीं पहली बार 60% लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने महंगाई कम करने के लिए प्रयास तक नहीं किए हैं। ऐसा कहने वालों का यह आंकड़ा इसी साल जनवरी में पहले 35% था। बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। मोदी कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद पटना पहुंचे आरसीपी सिंह के सोमवार को हुए स्वागत कार्यक्रम में पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दूरी बनाए रखी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उन्हें कार्यक्रम में बुलाया या इसके बारे में सूचित ही नहीं किया गया था तो वे कैसे जाते। उन्होंने कहा कि उन्हें मीडिया के जरिए आरसीपी सिंह के स्वागत कार्यक्रम के बारे में पता चला। कुशवाहा ने गुटबाजी की खबरों को नकारते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में पिछले एक दिन में 25,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले 154 दिनों में किसी एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,69,000 के पार है, जो कि पिछले 146 दिनों में सबसे कम है। भारत में रिकवरी रेट 97.51% है। अब तक की खबरों में इतना ही।
बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।